कुमार यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये वीडियो है क्लास 7 की मैथ्स की चैप्टर 1 रेशनल नंबर वर्कशीट 3। हम यूज कर रहे हैं कौन सी बुक, डीईवी स्कूल की बुक। तो पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब लोएस्ट फॉर्म में उसको लिखना है। अगर 33/77 किसी भी टेबल से अगर डिवाइड होता है कॉमन टेबल से, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। लार्जेस्ट टेबल देख लीजिए तो 33/77 बोथ आर डिवाइडेड बाय 11, सो ये 3 जाते हो गया और ये हो गया 7 जाते। फर्दर अगर ये 1 से डिवाइड होता है तो आपको नहीं करना, अदरवाइज 1 के अलावा किसी भी डिजिट से डिवाइड होता है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है -27/-15, तो ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो रहे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 9 जा पर हो जाएगा, ये 5 जा पर हो जाएगा। 3 से आगे किसी बड़ी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 9/5 स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। सो 9/-5 = x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5 और x, 10 और 9, और ये -5 जो मल्टीप्लाई है डिवाइडर भेज दीजिए, 5 2 10, 9 2 18, और आप कॉल 1 है तो -18 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और -18 जब आप रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगी। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है फ्रैक्शन या रेशनल नंबर या नहीं। अगर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है तो आपको रिड्यूस नहीं करना फिर तो, और अगर नहीं है तो रिड्यूस करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। -3/19, अब ये 1 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए ऑलरेडी किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह 8/-72, ये दोनों ही डिजिट 8 से डिवाइड हो सकती है, 1 जा पर और 9 जा पर, तो 1/-9 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स फिल करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन है, 2/7 = 8/-63 -1। तो एक रिलेशन चेक कर रहा होगा इसमें कि 8 2 की टेबल में 4 जा पर आया तो 7 की टेबल का 4 जा क्या होगा, 20 है। इसी तरह से 63 जो नेगेटिव है वो 7 की टेबल में 9 जा पर आता है, तो 2 की टेबल का 9 जा आता है 18। बट क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको दोनों ही नेगेटिव यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर वापस से 2/7 भी बन जाए। 2 की टेबल में 4 जा पर, तो 7 4 जा 20, 7 9 जा पे है, -9 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ -9 से करोगे तो -18। इसी तरह 105/- था -99 = -5/-11। यहाँ का जो रिलेशन है वो अपोजिट है, 5 की टेबल में 11 की टेबल में 99 कब आता है, जब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99, तो 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो तो 45। आगे देखिए 105 की टेबल में कब आता है, जब आप इसे -21 से मल्टीप्लाई करें, जब आप इस तरह से -21 से, सो इसको भी -21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -11 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा +231। तो ये भी आपका ब्लैंक एक फिल हो गया। जस्ट एक रिलेशन, टेबल का रिलेशन होता है। अगर बड़े डिजिट आपके पास आ गए तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 105 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये 21 पर होगा, इसका मतलब 11 को 21 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। एक बात और, दोनों ही नेगेटिव है और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये 5 जो है वो -21 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो -11 भी -21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप दोनों जगह नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव 231 आएगा। तो ये ऑल 3 जो रेशनल नंबर है इक्विवेलेंट भी बन गए। तो ये थी वर्कशीट 3 क्लास 7 के रेशनल नंबर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो जिसमें बड़ी से बड़ी टेबल से डिवाइड करिए, रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो एज इट इज वही तरीका है कि लार्जेस्ट टेबल से आप डिवाइड करके दोनों को ही कॉमन टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। और ब्लैंक भरने के लिए आप जस्ट एक टेबल का तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ब्लैंक फिल करने में आसानी होगी।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें और हाँ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।